Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn English with Himani, and today we will do the rest of the part of the chapter Lakshadweep. हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है and थोड़ा थोड़ा और हम आगे देखेंगे. हम यहाँ तक पढ़ चुके थे How to get to Lakshadweep Islands. हम यहाँ तक पढ़ चुके थे and हमने बताया था आपको कि the visitors can get a flight from Kochi, Kozhikode and Bengaluru to the Agatti Island. And that is a tourist attraction in itself. And उसको gateway to Lakshadweep भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ और ये island सिर्फ 5 किलोमीटर तक लंबा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए, next page पे आपको कुछ facts दिए गए हैं. हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से लक्षद्वीप के बारे में. लोकेशन क्या है भाई इसकी? लोकेशन है लैकडिव सी, 200 to 400 किलोमीटर ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया की साउथ वेस्ट कोस्ट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर लैकडिव सी में इसकी लोकेशन है. टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 39 आइलैंड्स एंड आइलेट्स हैं. इनहैबिटेड आइलैंड्स कितने हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहा करते हैं वो आइलैंड्स कितने हैं? 11 हैं. विजिटर परमिटेड कितने हैं? 7 आइलैंड्स इंडियन के लिए और 3 फॉरेनर्स के लिए. अथॉरिटी परमिशन क्या है भाई? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्पोर्ट्स भी बोलते हैं, उनकी परमिशन अथॉरिटी चलती है यहाँ पर. लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं? मलयालम, जसेरी, माही, ये मालदीव्स की भाषा है. एंड आगे देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है. 64,473 2011 के सेंसस से हम अगर देखेंगे तो. एंड देन इकोनॉमी अगर हम देखें, इकोनॉमी कैसे चलती है भाई यहाँ की, तो कोकोनट, फाइबर कॉयर प्रोडक्ट, फिशरी, टूरिज्म. तो कोकोनट का व्यापार होता है, फाइबर कॉयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. फाइबर कॉयर क्या होती है? जो कोकोनट का जो ऊपर का फाइबर होता है ना, जो कोकोनट के वो जो बाल जैसे होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो फिशिंग या फिशरी जिसे हम कहते हैं उससे, और टूरिज्म, इन सबसे लोगों की कमाई होती है. क्लाइमेट कैसा रहता है? हैवी रेन्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, मई से सितंबर की तरफ में बहुत हैवी रेन होती हैं. रेन्स एंड वेट ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, अक्टूबर से नवंबर के टाइम में बहुत थोड़ी थोड़ी रेन और गीला गीला रहता है हमेशा, और दिसंबर से मई तक प्लेजेंट एंड ड्राई रहता है. बेस्ट मंथ टू विजिट क्या है भाई? सबसे ज़्यादा अच्छा जाने वाला वक्त कौन सा है भाई? दिसंबर से मई की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. गेटिंग टू लक्षद्वीप इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. व्हाट पजल्स विजिटर द मोस्ट इज चूजिंग वेयर टू गो फर्स्ट, सिंस द प्लेस हैज़ एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस. लक्षद्वीप तक जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है विजिटर्स के लिए? ये होता है, ये डिसाइड करना होता है कि भाई हम आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ पहले. चलिए अब हम यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लेते हैं, मेन एरियाज़ की बात कर लेते हैं. हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कावरत्ती की. ओके, कावरत्ती इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप. लक्षद्वीप ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड कावरत्ती आइलैंड है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर्स विच गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इन अ वेल मेंटेन्ड एक्वेरियम. कावरत्ती जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए? कि भाई यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ऐसा लगता है देख के जैसे कि कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड कोई एक्वेरियम है जहाँ पे हम आ गए हैं. वन कैन ईजिली सी 15 to 20 meters इन द वाटर एंड गेट अ लवली व्यू ऑफ द कोरल रीफ्स एंड द मिरियड मरीन लाइफ. और पानी इतना साफ है कि कोई व्यक्ति बहुत ही आराम से 15 से 20 मीटर तक पानी के अंदर देख सकता है, और अंदर के जो कोरल रीफ्स का जो बहुत सुंदर सा प्यारा सा व्यू है, मरीन लाइफ का जो एक बहुत ही बिना लाइक अनकाउंटेबल एक व्यू है मरीन लाइफ का, वो उनको देख सकता है यहाँ पे. देयर इज़ ऑल्सो एन एक्वेरियम दैट एग्जिबिट्स अ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फिश एंड कोरल्स. एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है जो कि एग्जिबिट करता है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे वेरियस वेराइटी की फिश हैं, कोरल्स हैं, एंड नोटिस बोर्ड एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस. और वहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को बताते हुए. द आइलैंड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एनचेंटिंग प्लानिटेरियम. ये जो आइलैंड है ये अपने प्लानिटेरियम के लिए भी जाना जाता है. प्लानिटेरियम क्या होता है? इट इज़ अ बिल्डिंग विद डोम्ड सीलिंग विद इमेजेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई प्रोजेक्टेड फॉर एन ऑडियंस. एक प्लानिटेरियम ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब डोम्ड होता है, एक क्या बोलते हैं गुंबद या कहते हैं, ऊपर से गोलाकार के रूप में होता है उसकी सीलिंग, उसकी जो छत होती है वो गोलाकार होती है और उस पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की इमेजेस होती हैं. बिल्कुल जैसे रात का जो आसमान होता है
उसकी इमेजेस होती हैं अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो प्लेनेटेरियम है। और क्या क्या है भाई स्पोर्ट्स लवर्स के लिए? दी आइलैंड ऑफर्स स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायकिंग, याचिंग, कैनोइंग एंड अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ऑफ मेनी ऑफ द डाइविंग साइट्स द वॉल ऑफ वंडर इज़ अ ट्रीट टू सी। बहुत सारी डाइविंग साइट्स हैं वहाँ पे, लेकिन वॉल ऑफ वंडर जो है वो बहुत ही मतलब ट्रीट है एक तरीके से आपके लिए, एक बहुत अच्छी आँखों के लिए बहुत सुंदर, एक कोई कह सकते हैं दावत जैसी है बिल्कुल। मैं फ़ोटोग्राफ जिसके मुझे मिलेंगे मैं ज़रूर डालूंगी अगर मुझे मिल गए तो। इट इज़ अ मैसिव वॉल ऑफ सॉफ्ट कोरल्स विद अ जायंट सी टर्टल्स क्रॉलिंग ऑल ओवर इट। एक बहुत ही बड़ी सॉफ्ट कोरल की वॉल है जहाँ पे बड़े बड़े सी टर्टल्स जो है हमेशा क्रॉल करते रहते हैं। इट गोज डीप इन टू द ओशन, और वो बहुत अंदर तक समुद्र में डूबी हुई है, मतलब गहरी भी है और ऊपर भी आई हुई है। अब हम बात करेंगे कडमत की। आफ्टर कावरत्ती द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑन अ विजिटर्स इटिनरी इज कडमत। इट इज़ अ स्मॉल एलिप्टिकल शेप्ड 8 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड। तो कावरत्ती के बाद उनकी जो अगली डेस्टिनेशन है विजिटर्स के बिल्कुल चुनिंदा प्लेसेस में से, तो वो है कडमत। एंड वो एक बहुत ही छोटा एलिप्टिकल आप बोल सकते हो जैसे कि अंडाकार काइंड ऑफ थिंग, एलिप्टिकल शेप्ड 8 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड। 8 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये। इट इज़ अ 500 मीटर वाइड आइलैंड, 500 मीटर चौड़ा है। इट इज़ अ देर इज़ अ नैरो कॉन्क्रीट रोड दैट रन्स अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ द आइलैंड। और एक कंक्रीट रोड है वहाँ पे जो कि उसके पूरे सर्कमफेरेंस पे रन करती है। एंड इट इज़ नोन फॉर डाइविंग साइट सच एज स्टिंग रे सिटी एंड शार्क एले दैट अट्रैक्ट्स विजिटर्स गैलोर। तो वहाँ पे जो बहुत फेमस डाइविंग साइट्स हैं, डाइविंग साइट्स होते हैं वो जहाँ से छलांग वलांग नहीं लगाते हैं जो जिनको तैरने का शौक होता है वो लोगों के लिए, तो वो है स्टिंग रे सिटी और शार्क एले, जिस जो कि जहाँ पे भर भर के गैलोर मतलब बहुत ही असंख्य लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं देखने के लिए। वाइल्ड डाइविंग एज वन अप्रोचेज द कोरल रीफ्स मैराइन लाइफ अपीयर्स एज दो इन अ ड्रीम। और जैसे ही डाइविंग करके कोई कोरल रीफ्स तक पहुँचता है तो जो वहाँ की जो मैरीन लाइफ होती है पानी के अंदर की जो दुनिया होती है वो एकदम सपने की तरह उनके सामने आ जाती है। अ डाइवर कैन सी शोर्स ऑफ बैरिक्यूड्स, scores of tiny fish and big fish with striking colors nibbling at food in between the coral reefs. बहुत सारी मछलियाँ उनको तरह तरह की देखने के लिए मिलती हैं वहाँ पे। There are sea cucumbers when poked immediately round up and compressed to size of a tennis ball. वहाँ पे sea cucumbers भी होते हैं जिनको कि अगर आप छोगे बिल्कुल तो जल्दी से वो क्या करते हैं घूम जाते हैं मतलब रोल हो जाते हैं और वो क्या कंप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, कम कर लेते हैं अपना साइज बिल्कुल कितना एक टेनिस बॉल के जितना अपना साइज कम कर लेते हैं। साइट्स ऑफ ब्लू टैंग दिखती है उनको, डिफरेंट कलर्स ऑफ बटरफ्लाई फिश मिलती हैं, सर्जन फिश मिलती है, स्टिंग रेज मिलती हैं, फ्लेम एंजल फिश मिलती है, स्विमिंग अराउंड फॉस्फोरसेंट कोरल्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। वन इज ऑस्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ दिस अंडर वाटर फैंटेसी लैंड। और कोई भी अगर पानी के अंदर डाइव करके जाता है तो ये सब कुछ ब्यूटी देख के बहुत फैंटेसाइज हो जाते हैं। वाइल एट कडमत विजिटर्स ऑफन विजिट द डेसिकेटेड कोकोनट फैक्ट्री। आई एम सॉरी पेज लड़ गया, कोकोनट फैक्ट्री एंड द कॉयर रोप फैक्ट्री। तो कडमत में विजिटर्स ज्यादातर डेसिकेटेड कोकोनट फैक्ट्री में भी जाते हैं और कॉयर रोप फैक्ट्री में भी जाते हैं जहाँ पे नारियल के जो कॉयर से रस्सी बनाई जाती है। द रोप इन दिस फैक्ट्री इज मेड फ्रॉम कोकोनट कॉयर, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं बंगराम पे। बिसाइड कडमत बंगराम इज वन ऑफ द आइलैंड दैट अलाउ फॉरनर्स टू विजिट द लैंड। कडमत के बाद बंगराम एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे फॉरनर्स बहुत आते हैं। वन कैन वॉक अराउंड द इंटायर आइलैंड इन 45 मिनट्स। आपको पूरा आइलैंड घूमने में मात्र 45 मिनट्स लगेंगे। द हाई पॉइंट ऑफ द वॉक इज वॉकिंग अप टू द सैंड बैंक एंड गेटिंग अ फील ऑफ ऑलमोस्ट वॉकिंग ऑफ वाटर बिकॉज दैट्स हाउ वन कुड लुक इफ सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या है वहाँ पे कि आप बिल्कुल सैंड बैंक्स पे चलोगे, फिर से वही चीज़ हुई।
आप सैंड बैंक्स पे चलोगे और आपको ऐसा लगेगा, दूर से अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी पर चल रहे हो। द सैंड बैंक एंड द वॉक बैक इज अ ग्रेट प्लेस टू स्पॉट अ वेराइटी ऑफ सी बर्ड्स इन एक्शन एंड हर्मिट क्रैब्स स्करिंग बैक इन टू देयर होल्स। जो ये जो सैंड बैंक है और ये जो वॉक बैक है, दो एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी सी बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगी और वहाँ पे आपको क्रैब्स केकड़े भी देखने के लिए मिलेंगे। द नेटिव्स ऑफन ट्रीट विजिटर्स विद एग्जुबरेंट फोक डांस एकम्पनीड विद द सिंबल्स एंड ड्रम्स। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स मतलब वहीं के जो रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे फोक डांस अपना दिखाते हैं, जो वहाँ का रीजनल डांस है उसको शो करते हैं, जिसमें वो सिंबल्स ड्रम्स बजाते हैं। सिंबल एक ब्रास का पर्कशन इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वो बजा के आपका वो एंटरटेनमेंट भी करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी थोड़ा बहुत बचा है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।